जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एनएफए नेट क्लास में। यूजीसी नेट की परीक्षा और सीजी सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी लर्नर्स। इसके अलावा जो भी टीचिंग से रिलेटेड, शिक्षण से संबंधी अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो बताने वाले हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग में बात की जाती है टीचर सेंटर्ड मेथड की, लर्नर सेंटर्ड मेथड की, जो कुछ शिक्षक पर केंद्रित हैं, कुछ शिक्षार्थियों पर केंद्रित हैं, और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की। आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो में वो है ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। अगर यूजीसी नेट या सीजी सेट की बात करें तो ये प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड में, हायर एजुकेशन में और आईसीटी में, इन तीन विषयों में कहीं पर भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक ब्रॉड कैटेगरी को। ये जो ब्रॉड कैटेगरी है हमारे टॉपिक का वो है मूक। तो मूक होता क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मूक के बारे में तो वो होता है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मूक आपका है एक मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है हर किसी के लिए। यहाँ पर हम अगर बात करें तो मेनली तीन चीजें बात की जाती हैं। आप बोल सकते हैं एनीवन, एनीवेयर और एनी टाइम। ठीक है, ट्रिपल ए आप बात कर सकते हैं, एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम। एक्सेस एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम की बात होती है मूक में। ठीक है, तो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्यों बनाया गया? तो तीन चीजें आपको समझ में आई कि भाई एक्सेस एनीवन, कोई भी एक्सेस कर सके, एनीवेयर कहीं से भी एक्सेस कर सके, एनी टाइम किसी भी समय एक्सेस कर सके। तो इसके लिए मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन किए गए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर, तो सबसे पहले अगर इसके डिजाइन पर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला जो डिजाइन है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा गया, ठीक है, तो वहां हम लोग बात करते हैं मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में पहला जो डिजाइन है वो आपका डिजाइन किया गया है स्टेफन डॉन्स और जॉर्ज साइमंस के द्वारा। ठीक है, तो स्टेफन डॉन्स और जॉर्ज साइमन के द्वारा सबसे पहला मेसिव ओपन ऑनलाइन टर्म्स जो है वो मूक टर्म्स जो है सबसे पहले क्वाइन किया गया, और किस चीज के लिए? तो यहां पर हम बात करते हैं इंटाइटल जो था इसका, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिविटी नॉलेज। कब? 2008 में। ये यूजीसी नेट के सवाल पे पूछा गया। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जो वर्ड है मूक, जो टर्म है वो डेवलप किया गया, क्वाइन किया गया किनके द्वारा? तो आपको बताया गया स्टेफन डाउनेंस और जॉर्ज साइमंस के द्वारा। ठीक है, क्या नाम से हम देखते हैं इसको? तो कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज। कब किया गया? तो 2008 में किया गया। इसके बारे में और कुछ देखना चाहें तो मूक्स के बारे में, तो 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी ऑफर किया फ्री कोर्सेज जो है वो पीटर नॉर्विक के द्वारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है, जैसे उडा सिटी है। ठीक है, उडा सिटी के अलावा एमआईटी के थ्रू अगर हम लोग बात करें, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी पार्टनरशिप के साथ जो बात किया जाता है वो आपका ईडीएक्स है, एजुकेशन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके मैं सारे जो आपके मूक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे सवाल कैसे कैसे होते हैं। तो सवाल होते हैं डेवलप बाय, किन्होंने डेवलप किया, कहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि कितने कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कुछ नेमली क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मूक प्लेटफॉर्म्स के नाम ही हमको पता रहे, वही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए इस सेशन में। तो ईडीएक्स की अगर बात करें, एजुकेशन एक्सपर्ट की अगर बात करें, तो एजुकेशन एक्सपर्ट जो है वो हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम मूक पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। और ये फाउंडेड बाय अगर हम लोग बात करते हैं तो फाउंडेड बाय क्या है? हार्वर्ड और एमआईटी, फाउंडेड बाय हार्वर्ड एंड एमआईटी। ठीक है, और सबसे बेस्ट एजुकेशन है अवेलेबल फॉर एनीवन। ठीक है, कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। लगभग 83 मिलियन पीपल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यहां पर से ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रेस करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस को जो है वो इनरोल करते हैं। एमआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रैकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बोस्टन यूनिवर्सिटी, गूगल,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये सारे इंस्टीट्यूशन से 260 से भी ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन है वहां से हम जो है वो लर्न कर सकते हैं किसके थ्रू, ईडीएक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ईडीएक्स प्लेटफॉर्म हम बात कर रहे हैं एवरीवेयर, एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है, एनी वन एनी टाइम, ये जो है वो मूक प्लेटफॉर्म का ही सीधा सीधा हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। ईडीएक्स में अगर हम लोग बात करें अभी लीडरशिप में, तो दो आपके सीईओ पॉल लालजी और ईडीएक्स फाउंडर, ठीक है, उसके अलावा अगर एकेडमिक ऑफिसर अगर हम लोग बात करें तो अनंत अग्रवाल, ईडीएक्स के लिए एकेडमिक ऑफिसर के रूप में हम बात करते हैं अनंत अग्रवाल, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस सवाल को जो है वो। ठीक है, ईडीएक्स ये हमारा हो गया फोर, यहाँ पे हम ज्यादा अगर उसके बारे में समझना चाहें तो जा सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो है। ठीक है, सारे टॉपिक्स में क्या क्या चीजें थोड़ी थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। ईडीएक्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो वो एक है लार्जेस्ट कोर्सेरा, कोर्सेरा प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी और गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये चार सेक्शन पे आपको जो है वो प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। ठीक है, डक है, गूगल है, आईबीएम है, स्टैनफोर्ड है, ये सभी लीडिंग यूनिवर्सिटीज और कंपनीज है जिनसे हम लोग कैलिब्रेट करके लर्निंग करने का काम यहाँ पर किराया जाता है कोर्सेरा के अंतर्गत। सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं इसमें, आप सभी अपने कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज में भी अगर देखें, स्टेट यूनिवर्सिटीज में या आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो वहां आप देखेंगे कोर्सेरा के द्वारा भी जो है आपको कोर्स प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका वेबसाइट है coursera.org, अगर आप उसके बारे में और थोड़ा बहुत जानना चाहें तो आप उस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, एक मूक प्लेटफॉर्म के रूप में जाते हैं। Udacity, Udacity की अगर बात करें, ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्टैनफोर्ड इंस्ट्रक्टर, ठीक है, पीटर नॉर्विक और सेबेस्टियन थ्रॉन, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया, इंस्ट्रक्टर हैं ये दोनों जो है वो। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोर्स ऑनलाइन सबसे पहले एनीवन फॉर फ्री था। ठीक है, लगभग इसके अंदर अगर बात किया जाए तो 160,000 से भी ज़्यादा छात्र, 190 देशों से भी ज़्यादा इनरोल होते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में Udacity के नाम से, ध्यान रखिएगा। को क्रिएटेड किसके थ्रू हुआ है, तो GitHub है, Nvidia है, Microsoft है, Amazon है, इनके द्वारा है। तो हम लोग को ये सब तो नहीं समझना है, बस ये है मेनली नाम ध्यान रखना है कि किन्नों ने इसको सबसे पहले डेवलप किया, किस पर्टिकुलर काम के लिए डेवलप किया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका है फ्यूचर लर्न। ठीक है, तो फ्यूचर लर्न, फ्यूचर लर्न जो आपका है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी एक क्या है, मूक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप कभी भी किसी भी तरीके का कोर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, एक्सपर्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डिग्री आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मूक प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो खान अकेडमी है। ठीक है, खान अकेडमी आप सभी के माइंड में जो आ रहा है वो तो एक वायरल आप देखते हैं इंटरनेट पर खान सर, मगर उसमें नहीं है, ये अलग से एक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं खान अकेडमी। तो आज से लगभग 2-3 साल पहले इसका क्वेश्चन UGC नेट में पूछा गया था, फाउंडर्स के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे जो है, तो खान अकेडमी फाउंडर्स के रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, तो इसके हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले खान अकेडमी जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है, K14 टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह की हम बात करते हैं, यहाँ पे टूल्स फ्रीली आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, लगभग हर कंट्री, लगभग 4 से भी ज़्यादा कंट्री अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, US, इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ पर हम लोग जो है वो कोर्सेज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाउंडर के रूप में अगर बात करें तो सेल, ठीक है, सेल खान, और UGC नेट के एग्जाम में इसमें सलमान खान लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्टली आप देख रखें, सैल खान फाउंडर है और क्या है, CEO है। तो फाउंडर और CEO का भी क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप जाएंगे उनके बारे में पता चल जाएगा, सैल खान खान अकेडमी के जो है वो क्या है, फाउंडर है और CEO है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें स्वयं, ठीक है, स्वयं प्रोग्राम जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो देखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो हम बात करें यहाँ पर
तो एक बहुत बड़ा MOOC प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में जो है वो। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है MOOC को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MOOC को फुल फॉर्म पे रहता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो गया ये। अगर हम लोग बात करें MOOCs जो है वो हमारे इंडिया में, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके थ्रू लिया गया है। ये जो है वो MOOC प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो लर्नर सेंट्रिक मेथड के अंदर आते हैं, टीचिंग में ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, MOOC जो है वो सबसे पहले हम 2008 में बात करते हैं, ठीक है, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के रूप में। और MOOC प्लेटफॉर्म्स जो टॉप MOOC प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में भी आप जो है वो कीवर्ड्स नोट करके रख सकते हैं। एक और है, खुद का MOOC प्लेटफॉर्म तैयार कराने के लिए MOOC किट। तो MOOC किट जो है वो आपका एनीथिंग एनीवन एनीवेयर MOOC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है किनके द्वारा, तो डिजाइन एंड डेवलप बाय IIT कानपुर, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलप बाय IIT कानपुर MOOC किट जो है वो सिस्टम आपका है। यहाँ पर ध्यान रखिए MOOC विथ MOOC किट आप इसको जो है प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये आपका पूछा गया था 4 क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए कितना इसमें जो है वो मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, तो 35 से 40 इसमें यही पूछा गया था, ठीक है, 35 से 40 जो है वो आपके डिजाइन किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या चीज़ें वहां पर पूछी गई हैं, क्या क्या सवाल में आते हैं, ठीक है, स्वयं क्या है और इस प्लेटफॉर्म में जो है वो किस तरीके से कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बने रहिए NFNet क्लास के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी फ्रेंड जो UGC NET या CGCET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर और ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो और अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए आप जो है वो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।